Dear students and dear viewers, Vande Mataram to all of you and welcome to my channel English Study with Harry. Today I am going to make you textual exercise of class 1, the title of Another Chance. Another Chance in this video. In the last video I have taught you words meaning, punctuation and translation of Another Chance. Then start, let's go. एक्सरसाइज बच्चों आपके सामने आपकी ही बुक का पूरा क्वेश्चन रखा हुआ है. आप अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे और साथ में नोटबुक प्लस पेन लेके बैठें और जो भी इसके साथ में बताया जा रहा है आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे. आपका टोटल एक्सरसाइज आपकी ही टेक्सटुअल बुक से ली गई है. तो सबसे पहले जैसे आपको आता है लिसन एंड रिपीट, इसे आपको सुनना है और रिपीट करना, दोहराना है. तो जैसे मैं बोलूँगी उसी पंक्चुएशन के साथ आपको बोलना है, उसी तरह से आप इसका प्रोनंसिएशन भी करेंगे. तो चलते हैं. बिगनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट, हार्ट, पार्ट, विजर, लेटर, फिटर, डीप, कीप एंड बीप. इसे सिर्फ आपको सुन करके दोहराना है. आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने से इसका प्रोनंसिएशन करेंगे. नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पावर. यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है. रीड द पोयम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी कि आपको जो हमने पोयम पढ़ाया है उसे सावधानीपूर्वक पढ़ना है. और ये जो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आपका विलोम शब्द, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द, इसका विलोम लिखना. तो यहाँ पे आप उसी पोयम से ही लेकर के लिखना है, बाहर से नहीं. तो एग्जांपल एक दिया है गुड और बैड. तो सक्सेस यानी होता है सफल. तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका होगा विलोम शब्द होगा फेलियर. स्टेल, स्टेल यानी बासी, स्टेल यानी बासी, फ्रेश यानी ताज़ा. होप यानी आशा, होप यानी आशा, डिस्पेयर निराशा. एंड, एंड यानी समाप्त, खत्म, बिगिन यानी प्रारंभ या शुरुआत. शैलो, शैलो यानी उथला हुआ, डीप यानी गहरा. शैलो उथला, डीप गहरा. तो इन सब के आंसर फेलियर, फ्रेश, डिस्पेयर, बिगिन एंड डीप आप कॉपी में लिख चुके होंगे. नेक्स्ट है बी नंबर. देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट वर्ड वॉवेल. एप्रोप्राइट वॉवेल है यहाँ पे. तो छूटे हुए वॉवेल को, उचित वॉवेल को भरना इस पे, इस खाली स्थान पे उचित वॉवेल को भरना, उचित जो स्वर होता है उसको भरना है. आंसर देखिए ऑफेन. ऑफेन की स्पेलिंग जो होती है ओ एफ टी ई एन. इसी तरह ब्लॉट, हमने वर्ड मीनिंग लिखाई है, आपको ध्यान होगा तो इसको आप अपने से कर सकते हैं. फिर भी मैंने बताया है बी एल ओ टी ब्लॉट. डब्ल्यू आई एस एच विश. फॉर गिव एफ ओ आर जी आई वी ई. मिस्टेक एम आई एस टी ए के. नेक्स्ट फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग. राइम यानी होता है तुकांत वर्ड्स, तुकांत शब्द होते हैं हिंदी में. तो एक समान ध्वनि वाले इसको हम कह सकते हैं. तो तुकांत जैसे एक जैसा हमारा राइमिंग चलता है उसी हिसाब से इसको भरना है. तो शाइन, शाइन जिस तरह से इसका शाइन है तो इसका उस तरह से हमारा मुँह बन रहा है, तुकांत हो रहा है. तो शाइन का वाइन. थ्रू, थ्रू का न्यू. स्टार्ट, हार्ट. बिगनिंग, विनिंग. इस तरह से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स और ये पार्ट समाप्त होता है. अब चलते हैं हम आगे. आगे देखेंगे, आगे आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन जो आया है आपका प्रश्नोत्तर. आपके पाठ में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं. तो प्रश्न है आपका वाई डू विश फॉर अनदर चांस. वाई डू विश फॉर अनदर चांस. तो हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, हम
एक और मौके की, यानी अनदर चांस, दूसरे मौके की इच्छा क्यों करते हैं? आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। यानी कि हम हिंदी देखेंगे, हिंदी भी समझते चलें, हम एक और मौके की इच्छा इसलिए करते हैं टू चेंज, ताकि हम अपनी हार को जीत में बदल सकें, अपनी हार को जीत में बदल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? नई शुरुआत करने में क्या लगता है? मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने में क्या लगता है? तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसमें सिर्फ तीव्र इच्छा, टेक्स अ डीप डिजायर, तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? कवि का दुनिया में थोड़ी रोशनी फैलाने से, कवि का दुनिया में थोड़ी रोशनी यानी सूर्य की किरण को फैलाने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कवि इस सेंटेंस को बताने पर क्या चाहता है? तो the poet means to make our life better. कवि चाहता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, एंड बिकेम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और संसार में हम कुछ बने, किस तरह से बने, जिस तरह की सूर्य की छोटी सी किरण जिस पर भी पड़ती है उसे अपनी ऊर्जा और प्रकाश देती, उसे प्रकाशवान करती है, इसी तरह से कवि हमें भी चाहता है कि मनुष्य संसार में कुछ अच्छा करे और कुछ बनकर दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, निराश होकर कोई कार्य छोड़ नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ देना? Why should we never give up in despair? हमें कभी निराश होकर क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? किसी कार्य को मान लीजिए हमसे नहीं बन रहा है, तो उस कार्य को हम निराश होकर के छोड़ देते हैं, पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो देखिए आंसर इसका, We should never give up in despair. हमें निराश होकर के किसी कार्य को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, As there is always a tomorrow to start a new, क्योंकि हमेशा एक कल, आने वाला कल, नई शुरुआत लेकर अवश्य आता है, इसलिए हमें किसी भी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। Next question, What should we hope for our future? हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या आशा रखनी चाहिए, कौन सी आशा रखनी चाहिए? वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। हमें नई शुरुआत करने के लिए और जीत के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू, हमें नई शुरुआत के बारे में, एंड विनिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य में जीत हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चों, आपके ये हुए कॉम्प्रिहेंशन के आंसर क्वेश्चन, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट चलता है हमारा, नेक्स्ट जो है तो बहुत इजी है, मैच द कॉलम है या मैच द फॉलोइंग है, आपके पोएम से ही लिया गया है। नंबर वन पे है, चांस टू ब्लॉट इट ओनली टेक्स टू एड अ लिटिल सो नेवर गिव अप। तो इसके साथ में आपने देखा, अ चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स, मीन्स ये फोर नंबर पे है, इसका आंसर हुआ फोर। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसका आंसर हुआ, ये थ्री नंबर पे है, यहाँ पे देखिए ये थ्री, तो इसका आंसर हुआ थ्री, ये थ्री नंबर। फिर टू एड अ लिटिल सनशाइन, ये किस नंबर पे है, आप देखिए टू नंबर पे है ना, ये यहाँ से आपका टू नंबर पे है, तो
ये टू एड अ लिटिल सनशाइन वन, हाँ ये टू, इसका आंसर डीप डिजायर, टू एड अ लिटिल सनशाइन, इसका आंसर होगा टू एड अ लिटिल सनशाइन। फिर फोर नंबर पे है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ठीक इन डिस्पेयर, ये चार नंबर पे है, ठीक है ना। इसका आंसर ये देखेंगे आप यहाँ पे चार नंबर पे ये हुआ, ये आंसर आपके सामने आ गया, ये आपके पोएम से भी बन जाएगा, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपके सामने एक पैसेज आया है, छोटा सा पैसेज है, इसका मैं ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे फिर इसके आंसर क्वेश्चन भी है उसको भी बता देती हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आप अपने से इसे पढ़ेंगे, आपके जो पेपर में आते हैं, आपके एग्जाम में जो आते हैं, तो बिना अनसीन पैसेज का मतलब होता है बिना पढ़ाया हुआ, बट पाठ में है तो हम पढ़ा रहे हैं, पाठ में है तो पढ़ा रहे हैं। तो लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली। टू क्रोज चैलेंज ईच अदर, दो कौवे एक दूसरे को चुनौती देते हैं, टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, कि दोनों में से सबसे ज़्यादा ऊंचे कौन उड़ सकता है, वाइल कैरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज, जबकि वे अपने साथ एक समान साइज के आकार के बोरे या थैले लिए हुए हों। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, पहला कौवा अपने बोरे में अपने थैले में कॉटन मीन्स रुई भरता है, एंड लॉब्ड एट द अदर क्रो, और दूसरे कौवे पर हंसता है, हु हैड फिल्ड हिज विथ साल्ट विच वॉज मच हैवियर, जिसने अपने थैले में नमक भरा हुआ था जो बहुत भारी था। हाउएवर व्हेन इट बिगन रेन, हालांकि बारिश स्टार्ट हुई, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, चूंकि इस प्रकार दूसरे कौवे को आशा हुई, आशा जागी, द साल्ट बिगेन टू डिजॉल्व, नमक घुलना प्रारंभ हो गया, द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर, कॉटन रुई जो थी तो वर्षा के पानी को सोख ली, एंड बिकेम सो हैवी, और बहुत भारी हो गई, दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ, इस प्रकार दूसरे कौवे के पास अब शक्ति सामर्थ्य नहीं रह गई, टू गेट ऑफ द ग्राउंड, एंड जमीन पर गिरा, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और उसे अपनी हार माननी पड़ी। तो बच्चों ये हुआ आपके पैसेज का ट्रांसलेशन, अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं रिटर्न करके दे रही हूँ आपके सामने, देख लेंगे और पढ़ेंगे, और सबसे पहले आप इस पैसेज को बार बार भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे आएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप पैसेज को केयरफुली पढ़ चुके मानती हूँ कि मैंने पढ़ाया, तो आप भी पढ़े होंगे, अब इसके आंसर को देना है, इसके क्वेश्चन और आंसर। व्हाट वाज द चैलेंज, चैलेंज क्या था, द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज, चैलेंज चुनौती थी कि सबसे ऊपर कौन उड़ सकता है जबकि उनके साथ एक समान साइज के एक समान आकार के थैले हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, पहले कौवे के थैले में क्या भरा हुआ था, देयर वॉज कॉटन इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, फर्स्ट कौवे पहले कौवे के थैले में रुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द सेकेंड क्रो सैक्स, दूसरे कौवे के थैले में क्या था, तो देयर वॉज साल्ट इन द सेकेंड क्रो सैक्स, देयर वॉज साल्ट इन द सेकेंड क्रो सैक्स, दूसरे कौवे के थैले में नमक था। हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, वर्षा होने की आशा किसे हुई,
द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, वर्षा होने की आशा दूसरे कौवे को हुई. हु वॉज डिफीटेड द फर्स्ट क्रो, हु वॉज डिफीटेड, किसकी हार होती है, कौन हारता है, हारा था, कौन हारा था, तो द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, पहला कौवा हारा था, पहला कौवा हारा था. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट अगेन.